हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज मेड फॉर थर्ड क्लास स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.6। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.6 का यहाँ पर मैंने फोर्थ सम लिया है। अ ट्री इज 12 मीटर 20 सेंटीमीटर हाई, द अपर पार्ट ऑफ द ट्री इज ब्रोकन बाय विंड। इफ द रिमेनिंग हाइट ऑफ द ट्री इज 7 मीटर 56 सेंटीमीटर, हाउ मच इज ब्रोकन बाय द विंड। तो स्टूडेंट्स, सम नंबर 4 में हमें बताया गया है कि एक ट्री है जिसकी टोटल हाइट कितनी है, कितनी लंबी है वो ट्री, 12 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक पिक्चर ड्रॉ की है, ठीक है। ये क्या है, एक ट्री है जो उसकी टोटल हाइट कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, 12 मीटर 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, द अपर पार्ट ऑफ द ट्री इज ब्रोकन बाय विंड। सो जो अपर पार्ट है ट्री का, ऊपर वाला हिस्सा है, वो क्या है, हवा की वजह से टूट गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ट्री का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या टूट गया है। इफ़ द रिमेनिंग हाइट ऑफ द ट्री इज 7 मीटर 56 सेंटीमीटर, हाउ मच इज ब्रोकन बाय द विंड। सो जो रिमेनिंग पार्ट है, जो बाकी का हिस्सा बच गया है, उसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर 56 सेंटीमीटर। इतने वाला जो हिस्सा है वो क्या है, टूट गया है, सॉरी बच गया है। ये जो ऊपर वाला अपर पार्ट है वो टूट गया है, और नीचे वाला जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर 56 सेंटीमीटर। हाउ मच इज़ ब्रोकन बाय द विंड। सो यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि जो वाला जो हिस्सा अपर पार्ट जो हवा की वजह से टूटा है वो कितना टूटा है, उसकी हाइट कितनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल हाइट ऑफ द ट्री। टोटल हाइट कितनी है उस ट्री की, 12 मीटर 20 सेंटीमीटर यहाँ पर मैंने शो की है। तो इस ट्री की टोटल हाइट 12 मीटर 20 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ द ट्री। सो टोटल हाइट कितनी है उस ट्री की, 12 मीटर 20 सेंटीमीटर। सो 12 मीटर, तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने यूनिट्स ऊपर लिख लिए हैं यूनिट्स। सो मीटर कितने हैं, 12 मीटर, मीटर के नीचे मीटर्स लिखेंगे, 12 मीटर। सेंटीमीटर है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। सो नेक्स्ट, रिमेनिंग हाइट ऑफ द ट्री। सो रिमेनिंग हाइट कितनी है जो बच गई है, तो ऊपर वाला हिस्सा, तो अपर पार्ट जो ट्री का है वो तो हवा की वजह से टूट गया, और जो रिमेनिंग पार्ट है जो बच गया है वो उसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर 56 सेंटीमीटर, 7 मीटर 56 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर हम जीरो लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, यहाँ पर हमने जीरो लगा दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मच इज़ ब्रोकन बाय द विंड। तो जो ब्रोकन पार्ट है वो हमें फाइंड करना है कि उसकी हाइट कितनी है जो हवा की वजह से टूट गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री। सो ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री ये हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल हाइट कितनी है ट्री की, 12 मीटर 20 सेंटीमीटर, एंड रिमेनिंग पार्ट कितना है उसका, 7 मीटर 56 सेंटीमीटर। तो ये हमें फाइंड करना है कि ये वाला जो अपर पार्ट है जो हवा की वजह से टूटा है उसकी हाइट कितनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल हाइट में से रिमेनिंग पार्ट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जिससे हमारा क्या आ जाएगा, ब्रोकन पार्ट की हाइट आ जाएगी। सो यहाँ पर हम माइनस का साइन डालेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे माइनस। सो स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड से हम माइनस करना स्टार्ट करेंगे, जैसे जीरो में से सिक्स को हम माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ से हम लेंगे कैरी, यहाँ पर बन गए वन और इधर बन गए टेन। सो टेन माइनस सिक्स फोर, सो यहाँ पर है वन, तो वन में से हम फाइव को माइनस नहीं कर सकते, सो यहाँ से हम लेंगे कैरी, यहाँ पर बन गए वन और इधर बन गए इलेवन। सो इलेवन माइनस फाइव सिक्स, 11 माइनस फाइव सिक्स, सो 1 माइनस सेवन। तो स्टूडेंट्स, 1 में से हम फिर से 7 को माइनस नहीं कर सकते, इधर से लेंगे कैरी, यहाँ पर बन गए 0 और इधर बन गए 11। सो 11 माइनस सेवन फोर, एंड 0 माइनस 0 0। सो हमारा आंसर कितना आया है, 4 मीटर 64 सेंटीमीटर। इट मीन्स हमें ये वाला पार्ट फाइंड करना है कि जो हवा की वजह से टूटा था उसकी हाइट कितनी है, तो कितनी है इसकी, 4 मीटर
64 सेंटीमीटर. सो कितनी है 4 मीटर 64 सेंटीमीटर. सो लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर 4 मीटर 64 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द ट्री पार्ट ऑफ द ट्री ब्रोकन बाय द विंड. दैट इज आंसर. तो स्टूडेंट्स आपको फोर्थ सम अच्छी तरह से समझ आ